What's up everybody, this is me Nikhil Vlogs. आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, आज हम करेंगे अपने न्यू सेटअप के बारे में जो कि हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप होने वाला है। और हमने अपने बाइक के लिए न्यू लिया है कैमरा, तो देख सकते हो ये है वो। So, देख सकते हो कैसा लगा कैमरा। और अभी इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, आपको बताते हैं इसके फीचर्स। और हाँ, इसके कुछ बैड फीचर्स हैं, इसकी सारी बातें पहले आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। चलो चुका है हमारा एक्शन कैमरा और अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओहो, तो ये निकला अनबॉक्सिंग में। सबसे पहले ये निकला बिल, जो कि बिल है, इसको करते हैं साइड में। तो ये है हमारा SJCAM एक्शन कैमरा। तो देख सकते हो ऐसा है कुछ, इसका डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। इसको करते हैं साइड में, अब इसको रखते हैं यहाँ पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये है SJCAM एक्शन कैमरा है और ये हमको पड़ा 4450 रुपए का। तो कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ सैंपल दिए हुए हैं और जिनको हम नहीं जानते, आप देख लेना अपने हिसाब से, समझ लेना क्या है कहानी इसकी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको भी इसमें इसको करते हैं यहाँ से कट। ये देखिए इसमें एक हुक टाइप का है, ये हुक भी है जैसे देख सकते हो। अब इसको यहाँ से करते हैं अनबॉक्स। ओहो, इतनी खुशी। ओहो, तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में। इसमें देख सकते हो 1080p एंड फुल HD 30 FPS। इसके बारे में जानता नहीं, बस फिलहाल मैंने मंगा लिया। पीछे देख सकते हो बहुत सारी स्पेसिफिकेशन मिलेंगी, तो स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना स्पेसिफिकेशन। तो ऐसा कुछ है सीन। और ये है डब्बा, तो देख सकते हो ये पूरी है कहानी। अब इसको हटाते हैं, तो ये इसको ऐसे पकड़ना है जी, तो ऐसे किया, इसको हटाएंगे ये, तो ये, तो ये हमारा निकल के आता है एक्शन कैमरा। वाह भाई वाह, मजा आ गई, बड़ी खुशी हो रही है। तो ये बेसिकली वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर है। तो फिर ये हमारा आएगा बाहर एक्शन कैमरा, देख सकते हो। तो ये है हमारा SJCAM। तो भैया बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गई। अब इसको हम हटाएंगे नहीं, तो ऐसा है इसको हटा देंगे ना तो इसमें पड़ जाएंगे स्क्रैच। तो इसको हम हटाएंगे नहीं, इसको ऐसे लगे रहे, चलो हटा दें कि ना हटाएं, चलो हटा, नहीं हटा ही देते हैं, अलग से इसमें कार्ड लगवा लेंगे। तो देख सकते हो ये है 4450 रुपये का बहुत ही अच्छा कैमरा है। अब इसको यहाँ से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे हटेगा, फिर इसके अंदर निकल आएगी इसकी बैटरी। तो ये देखो, तो ये है इसकी बैटरी जो कि है 900 mAh की। तो फिलहाल 3 घंटा कंपनी क्लेम करती है, अब देखते हैं कितना चलता है। तो इसको रखते हैं साइड में, इसको बांध देखेंगे, इसको रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ें निकली हैं। तो इसको करते हैं साइड में, तो ये कुछ एक्सेसरीज निकली हुई हैं, देख सकते हो। ये माउंट है, ये एक्स्ट्रा निकला हुआ पीछे का जो लगता है कैमरे में, वाटरप्रूफ केसिंग वाले में। ये कुछ कपड़े हैं, ये जे माउंट है। देखिए, तो हमें अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ। तो ये देखिए 3 mm कुछ टेप है डबल साइडेड, ये स्ट्रैप दी हुई है, ये केबिल है जो कि चार्ज करने के लिए, कैमरा चार्ज करने के लिए।
और ये हमारा कैमरा, ये तो देख सकते हो। इसको कवर लगाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये कुछ माउंट्स दिए हो, तो इतने माउंट्स निकला है। ये मैंने एक्चुअली में इसके साथ मैंने स्पोर्ट वाला किट, छोटी सी किट भी ली है, तो देख सकते हो इतनी चीज़ें हैं। तो ये सारी सीरीज हमको मिली हैं, देख सकते हो कितनी ढेर सारी सीरीज हैं। तो बस SG कैम, और अगर देखना है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, तो ये जो इसमें दिया हुआ है तो देख लीजिए, ये ओरिजिनल देखने के लिए इसमें बना होता है स्कैन करने के लिए, स्क्रैच एंड चेक। तो ये चीज़ है, पन्नी लगी इसको घटाते हैं, हट गई। तो अब इसकी क्वालिटी आप देखो, अभी चल रहे बाहर तो इसकी आप क्वालिटी देखो। Hey guys, welcome back to another vlog. और आज हम व्लॉग कर रहे हैं अपनी कैमरे से, जो कि SJ कैम है, और बेसिकली इसका आउट सूट मैं देने वाला हूँ, आउटर में कितना कैसा क्या आता है, इसका नाइट शॉट भी दूंगा। और फिलहाल आज का व्लॉग बेसिकली इसी के उस पर है कि कैसे क्या सीन रिकॉर्ड होता है। तो अभी मैं SJ 4000 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 720-30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है। और तो स्टार्ट करते हैं राइडिंग राइड, कैसे क्या होता है, वॉइस कैसी आ रही है ये भी कमेंट में बता देना, वॉइस अच्छी आ रही है, ये सब सारी बातें बता सकते हो आप लोग। तो क्रॉसिंग से फिलहाल क्रॉसिंग बंद है भाई साहब, बंद है। तो आई विल श्योर यहाँ से जाते हैं तो की साइड से, वहाँ से भी अगर क्रॉसिंग खुली होती है ना तो मज़ा आ जाएगी, फिलहाल खुली होनी चाहिए। अभी 720 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी मिस भी बेटर आनी चाहिए, क्योंकि 1080p पे रिकॉर्ड करना अभी करके एक शॉट भी वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि कल मैंने 1080p पे रिकॉर्ड किया था। और फिलहाल कैमरे में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये कभी ऑन होता है कभी नहीं होता, इसको ऑन करते करते थक जाओ, बार बार बैटरी रिमूव करके फिर से लगाओ फिर चालू करो, तो यही सारी बातें हो रही है। तो कैमरे को मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया है, तो रिटर्न कर रहा हूँ ये कैमरे को, फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया था, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मे बी आई श्योर आप लोग भी देख सकते हो कि ये कैमरा लेना तो ये सारी चीज़ें मेजर हो सकती हैं। ये है अभी हम जो फिलहाल हैं गुरुदेव चौराहा पे, तो क्रॉसिंग बंद है क्रॉसिंग। और देख सकते हो गाइस सेटअप कैसा लग रहा है, बाइक पोस्चर जो है ये कैसा लग रहा है ये भी बता देना। साउंड मुझे लगता है कि जब बाइक स्लो चलती होगी तो साउंड मच भी बेटर आती होगी, और फिलहाल जब बाइक स्पीड में चलती होगी क्रॉस करके 70 क्रॉस करती होगी तो वैसे ही आवाज़ थोड़ी सी आवाज़ वैसी हो जाती होगी, भरमाने लगती होगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि मैं इंटरनल माइक से शूट कर रहा हूँ, मेरे एक्सटर्नल माइक से सपोर्ट नहीं है, ना मैंने इसको वॉइस ओवर किया कि अपने रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में इसको वॉइस ओवर कर दूँ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं ये भी करूँगा कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा फ़ोन में, तो ये सारी चीज़ें हुए। जाम लगा एक बाइक को, अरे बन जा भैया बाइक को, जाम लग जाता भैया कानपुर में, इच्छा है ना कि कानपुर में बन रही है मेट्रो, तो देख सकते हो मेट्रो का सेटअप पूरा लगा हुआ है यहाँ पे, तो मेट्रो की वजह से जाम लगना है पॉसिबल। और
हाँ भैया कहाँ भैया। आवाज बेकार क्योंकि इंटरनल माइक से शूट करता हूँ भाई साहब। इंटरनल माइक से शूट करो ना तो सात बार आवाज बेकार। ओहो डाल दिए फ्लिपकार्ट पे और ये शायद 13 फरवरी को रिटर्न हो जाएगा और मैंने इसके लिए दूसरा मंगा लिया है। शायद अगर वो भी प्रॉब्लम करता है तो मैं फिर सीधा गोप्रो से जाऊंगा, गोप्रो लेना चाहूंगा। अगर शायद दूसरा वाला जो मैंने मंगाया वो भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं गोप्रो लूँगा क्योंकि गोप्रो भाई साहब महंगा है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हमको गोप्रो लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आवाज कैसी आ रही हो जरूर बताना क्योंकि इंटरनल माइक से शूट कर रहा हूँ इस समय मैं वीडियो 1080p पे शूट कर रहा हूँ तो मस्त है, सब मस्त है। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया होता क्योंकि मैं परसों एक सब्सक्राइबर से मिला और तो उसके फ़ोन पे देखा मैंने तो दिखाने लगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब किया हूँ तो उस पर मैंने देखा तो उसने क्या किया था, सब्सक्राइब तो किया था चैनल लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया था। तो बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आती है तो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू क्या करते हैं, शुरू तो हो ही गया। ये कौन बावड़ी पूछ है तो हैंपो करवा है। ऐसे कैसे लोग हैं यार, मतलब भगवान ने बुद्धि इनको नहीं दी थी लग रहा है। हॉर्न में हॉर्न मारे जा रहा है पागल, मतलब या तो ये बह रहा होगा या तो इसको लग रहा है कि दुनिया बह रही है जो उसको पता नहीं चलना है, साला पॉल्यूशन फैलाता है। तो दुनिया में इतना पॉल्यूशन फैला है, ध्वनि प्रदूषण और फैला है।
जैसे ही बाइक चलती है तो आवाज़ थोड़ी सी बेकार हो जाती है, ठकराने से लगती है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बस खुश रहो। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना, अगर फॉलो ना किया हो नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना है, क्योंकि घंटा नहीं दबाओगे तो क्या घंटा आएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा, घंटा दबाओगे तो ही कुछ मजा आएगी।